नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी इंडिया। वैसे तो आपने बच्चे के मुंडन के आमंत्रण पत्र तो खूब देखे होंगे और कई दावतें भी खाए होंगे, लेकिन अगर यह आमंत्रण किसी भैंस के मुंडन का हो तो आप चौंकिए मत। जी हाँ, ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला यूपी के संभल से सामने आया है, जहाँ एक किसान ने अपनी भैंस और बछड़े का गंगा घाट पर समारोह पूर्वक विधि विधान से मुंडन कराया। इतना ही नहीं, मुंडन के बाद करीब 500 लोगों को दावत भी दी। आइए आपको सुनाते हैं कि आखिर संभल जिले के किसान नेम सिंह ने क्यों कराया अपने भैंस का मुंडन। अच्छा, ये कल आपने भैंस का अपनी का मुंडन किया है, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि साहब, हमारी भैंस के जेंगरे नहीं जीते थे, हमने अपनी मानों को दे छोड़े, मगर कोई जेंगरा, तीनों जेंगरों में से कोई जेंगरा नहीं जिया। चौथा के भैंस बयानी, हमने अपनी ये गंगा मैया की बोल दी, उसके बाद में वो कटिया से ब्याह गई, फिर द्वारा कत्ता उसकी मतलब ही कटिया से बयानी, फिर हमने वो 30,000 रुपये का, 60,000 रुपये की भैंस थी, हमने 30,000 रुपये का गंगा मैया पर पुण्य किया। कम से कम 400-500 लोग थे वहाँ दावत की गंगा मैया पर। तो कार्ड वार्ड भी छपाए? वो कार्ड भी छपवाए हमने, सब अपनी रिश्तेदारियों में सब कार्ड बांट बंटवाए। मतलब एक जिस तरीके से एक बच्चे का मुंडन करते हैं उस तरीके से आपने? हाँ, बच्चे का मुंडन करते हैं उसी तरह से हमने अपने भैंस का मुंडन किया है। तो ये आपको अपने आप से दिमाग में आई थी, आपको किसी ने बताया? नहीं, हमने अपने आप दिमाग में अपने आप किया है, हमने हमको किसी ने नहीं बताया है। क्या नाम है अम्मा आपका? अम्बरवती है। अच्छा, कौन सा गांव है अम्मा ये? नगरोली। नगरोली। अम्मा, ये जो भैंस को आपने मुंडन कराया है, क्या है ये पूरा मामला? ये ऐसा है, हमारे जंगल नहीं जिया थे गावे जाते, हमने जो बोल रही गंगा मैया आपकी, हमने अब पुण्य करू है, कार्ड भी छपवाए, हमने बटवाए गाँव में रिश्तेदारों में, और 4 ट्रैक्टर लगाए, एक गाड़ी गई है। तो कितने लोग लगभग कितने लोगों की दावत की आपने? लोगों की तो हमने 400 की करीब दाई, 400 लोगों की दावत। हाँ, की हाँ। तो आपका खर्चा भी काफी आ गया। हाँ, अच्छा, अब जो उसके जो उसके जो बच्चे हैं वो जीवित हैं? हाँ जी, बताइए। अब जी रहे हैं बच्चे? हाँ। इसीलिए आपने मुंडन कराया था? हाँ।